हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है यार? एक बार मेरे को कोई एक बंदा अपना हैंड रेज करके ये बता दो कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। ओके ओके, आई थिंक है ऑडिबल। या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हो तो मुझे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, आवाज आएगी। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो वेलकम टू तेज सिविल्स। तो ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि आज हम किस लिए मिले हैं। हमने सुबह भी वो पोस्ट में मेंशन कर दिया था कि क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, तो आज का जो सेशन रहेगा उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी अपना नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, चाहे वो मंथन हो चाहे वो क्यूबिट हो, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। तो उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर। तो उसी से रिलेटेड एक सबसे बड़ा जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे। हमारी पूरी 23 टीम आप लोगों के साथ होगी। लोकेश सर हैं, तीर्थ सर हैं, जो कि आप लोगों की हिस्ट्री की फैकल्टी भी हैं। कुछ टाइम में हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आज पूरे सेशन में हम लोग राजस्थान हिस्ट्री में बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि आज अपना मंथन और क्यूबिट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो उसमें लाइब्रेरी आज ऑफ थी, कल से लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी। आज पूरे जयपुर में ही लाइब्रेरी बंद थी, कुछ वो अथॉरिटीज की जो मीटिंग थी या फॉर्मेलिटीज थी जो भी था, बट अपनी लाइब्रेरी बिल्कुल सेफ है और जो भी कंप्लाइंसेज जो फॉलो करने होते हैं, चाहे वो टू डोर एग्जिट डोर्स होने चाहिए या फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें या फिर वो एनओसी, जो भी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है वो सब फुलफिल है। तो कल से अपनी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, जिसमें अपना मंथन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो लोग नहीं जानते, मंथन प्रोग्राम 7 महीने का प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग डेली टास्क होंगे आपके लिए ना, और ऑलमोस्ट सीट फिल हो चुकी है। हमने सुपर 30 के लिए प्रोग्राम चलाया था तो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, वो मतलब ज्यादा ही हो गया है ना, 33 या 34 एडमिशन हो चुके हैं उसमें। और ऑनलाइन भी आप लोग कर सकते हैं, जो लोग जॉब में हैं वो ऑनलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारा जो सेशन है 23 टीम हैंडल करेगी, और कोई भी डाउट होते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, बाद में हम लोग आप लोगों से आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। प्लीज थोड़ी देर शांति से बैठ के आप बस सुनते रहिएगा। ओके, बाकी हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को लास्ट में रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। एक तो सबसे पहली चीज की मतलब आप लोगों ने तेज सीरीज पे ट्रस्ट किया, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने कम समय में हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिलेगा। और मेंस में भी हम लोग रेडी, मतलब हम लोग बस क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि कितने क्वेश्चंस हिट होंगे नहीं, या फिर हम उस इंटेंशन से कर भी नहीं रहे थे काम की क्वेश्चंस हिट होंगे या नहीं होंगे। हमें दो तीन चीजें माइंड में थी कि यार लोग ना आरबीएससी नहीं पढ़ते हैं, और पेपर जो बनता है वो आरबीएससी एनसीईआरटी की ही बुक्स ज्यादातर उठाई जाती हैं। हम लोग बस वो ऑथेंटिक सोर्सेज को फॉलो कर रहे थे। हमें सच में नहीं पता था कि हाँ चीजें हिट हो जाएंगी, और वो बाय गॉड ग्रेस और आप लोगों की जो दुआएं थी या आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हो हम लोग, तो काफी क्वेश्चन हिट भी हुए है ना। इसमें हम क्लेम नहीं कर रहे, बट हाँ ये कह रहे हैं कि तेज टीम मेहनत कर रही थी और उसका रिजल्ट अब आ रहा है, जो आप लोग ट्रस्ट दिखा रहे हो उन लोगों पे। ठीक है, तो आज अब सारी चीजें डिस्कस करते हैं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिन लोगों ने अभी प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं किया है या फिर एनरोल नहीं किया, तो वो कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट भी दिखा दूंगा कि तेज सिविल्स की नई वेबसाइट है, जिसपे सारे कोर्सेज एनरोल हो चुके हैं। ओके, और आप लोगों को जो भी कोर्स हम लोग देने लिया, हम लोग जो भी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ना, जो भी इसमें लिखा होगा हम वो सब डिलीवर करेंगे। हमने पहले भी डिलीवर किया है, वी आर प्रोमिसिंग टू यू है ना, कि कोई भी कहीं पे भी आपको ऐसे फील नहीं होगा। और
का भी मैंने पहले भी बोला है और अभी फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू थिंक दैट कि हाँ यार चीजें उस चीज के कारण रुक रही हैं तो यू डोंट हैव टू गिव थॉट ऑन दैट थिंग, जस्ट कम टू अस, आ जाओ बात करते हैं, चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, है ना। तो ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। मैं लोकेश सर को, हेलो लोकेश सर, लोकेश सर आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर लें खुद को, और तेज सर भी होंगे यहाँ पे ना। लोकेश सर आप अनम्यूट करें और सेशन स्टार्ट करें, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी ना। लोकेश सर आप अनम्यूट करें, 1 मिनट, शायद कुछ इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ, हो गया, हो गया। ओ अरे सॉरी बात सर, आपकी बात। हाँ ये वॉइस का कुछ इश्यू चल रहा था, आई थिंक कनेक्ट नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, अब अभी एकदम आवाज क्लियर है और आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके ओके, अभी ऑडिबल हूँ मैं? सेशन के बाद डाउट्स लेंगे जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट ओके कि सेशन कंप्लीट करते हैं पहले, आप पहले लोकेश सर को सुनो, सारे जो भी चीजें अभी वो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, और ये पीडीएफ भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे लास्ट में। सर स्टार्ट कीजिए आप ना। ओके हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। और आज जो, जैसे सर ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया होगा आपको कि आज का जो सेशन है वो बेसिकली, तो अपने सभी प्रोग्राम है वो राजस्थान हिस्ट्री से ही शुरू हो रहे हैं। ये वाला पोर्शन कवर करते हुए अपनों ने सभी प्रोग्राम है वो इनरोल किया, तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे प्रोग्राम्स में जिन भी लोगों ने इनरोल किया है वो जुड़ गए होंगे सेशन में, भले ही वो प्रीलिम्स का प्रोग्राम हो, भले ही वो मेंस का प्रोग्राम हो, और मंथन जो लाइब्रेरी बैच है अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, वो भी सारे कनेक्टेड हैं। तो सभी को गुड इवनिंग। और आज जो बात करेंगे अपने मेनली, वो बात करेंगे कि राजस्थान हिस्ट्री को कैसे कवर करना है ना, कहाँ से कवर करना है, कितना कवर करना है, और प्रश्न की क्या मांग है, और मेंस का क्या पर्सपेक्टिव रखना है। तो ये सारी बातें डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा टाइम आपका इसमें लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस रखिए अपने। और मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप मेरे को एक बार वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपको शेयर हुई है या नहीं, तो 1 मिनट का टाइम। हेलो, हेलो, क्लियर? ओके, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से आई थिंक ये स्क्रीन, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को दिख रही होगी। सर एक बार कंफर्म कर दीजिए आप। दिख रही है स्क्रीन, आवाज भी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, वॉइस क्लियर है, ठीक है सर। तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, राजस्थान हिस्ट्री हाँ और कल्चर का जो पोर्शन है उसको प्री प्लस मेंस दोनों का पार्ट अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही चीजें हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें अपने डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो बुक्स मेनली, और प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, और पीवाईक्यू ट्रेंड, सारा कुछ अपने देखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम पहले होता है, तो अपने भी प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस है वो देखना है। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, भले ही वो कोई भी एग्जाम हो, जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए वो होती है उसका सिलेबस। तो सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना ही चाहिए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो दोनों सिलेबस आपके पास होंगे तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं एक साथ उनको देख के, कि यार कौन सा पोर्शन
प्री के अंदर है, कौन सा मेंस के अंदर है, कौन सा पार्ट हमें प्री के लिए पढ़ना है, कौन सा मेंस के लिए पढ़ना है। राजस्थान हिस्ट्री में एज सच कोई समस्या वाली बात है नहीं, लगभग जितना भी पार्ट है वो दोनों जो पेपर्स हैं अपने प्री और मेंस दोनों के अंदर आता है। तो एक दो टॉपिक हैं वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके संज्ञान में भी वो आ जाएंगे, लेकिन मोर और लेस लगभग एक समान सिलेबस है तो वो अपने को कवर करना है। ठीक है, तो सिलेबस अपने पास होना ही होना चाहिए। अभी तक अगर आपके पास नहीं है तो ये आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होगी अगर आपके पास अभी भी दोनों सिलेबस आपके पास नहीं है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इस चीज को थोड़ा सीरियसली लेंगे और सिलेबस वाली बात को और सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे। लोग चिपका के रखते अपने डेस्क के ऊपर, तो अच्छी अप्रोच है ना ये। अब देखिए प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, बट अपने को अभी राजस्थान का जो पोर्शन है हिस्ट्री वाला या कल्चर वाला जो पार्ट है, संस्कृति वाला विरासत वाला जो भाग है, उसके ऊपर चर्चा करनी है तो मैं आपको उसका सिलेबस का पार्ट है वो दिखा देता हूँ। ठीक है, सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का कि उसका सिलेबस अपने को देख ले। ठीक है, तो ये चीज है और सिलेबस जो है वो आपके सामने अब दिख रहा होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सिलेबस दिख रहा है। ठीक है, सिलेबस के अंदर थोरोली मैं आपको बता देता हूँ, पॉइंट वाइज नहीं बताऊंगा कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक की चीजें इसमें कवर की हुई है। फॉर एग्जाम्पल जहां से आपके प्राग ऐतिहासिक स्थल शुरू होते हैं, यानी कि जो बहुत ही एंशियंट टाइम की जो हिस्ट्री है वहां से इसको शुरू करते हुए और जो लास्ट आपका रहता है कि इंटीग्रेशन जो होता है या जो एकीकरण वाला या यूनिफिकेशन वाला पार्ट है जो राजस्थान का, वहां तक का हिस्टोरिकल जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सारे के सारे आपके इसके पार्ट रहेगी सिलेबस का। ठीक है, क्या क्या है, जितनी भी सभ्यताएं वाला भाग है वो पढ़ना है अपने को, प्राचीन राजस्थान के अंदर जो भी समाज और जो संस्कृति है उससे रिलेटेड जो बात है वो करनी है अपने को, जितने भी मेजर डायनेस्टीज हुई हैं, जितने भी प्रमुख राजवंश है, भले ही वो गुहिल हो, प्रतिहार हो, भले ही वो सिसोदिया हो, राठौड़ हो, कोई भी कछवा राजवंश, इनसे रिलेटेड बात करनी है, इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट और कल्चरल अचीवमेंट के बारे में बात करनी है, प्लस में इनका जो रेवेन्यू सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी पढ़ना है। उसके बाद में अपने स्विच करेंगे डायरेक्ट मॉडर्न के ऊपर। मॉडर्न में पांच ही टॉपिक मेनली मैं फोकस करता हूँ, वैसे इसमें डिटेल में दिया हुआ है, वो उसी के भाग मान के अपने चलेंगे। तो पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन, और उसके बाद में प्रजामंडल मूवमेंट और यूनिफिकेशन, और एक जो टॉपिक रहता है वो रहता है 1817 वाला जो फ्रीडम मूवमेंट है आपका, तो वो भी अपने पढ़ते हुए ही चलेंगे, उसको क्यों छोड़ना है एक टॉपिक को। ठीक है, इसके बाद में जो पोर्शन शुरू होगा वो शुरू होगा कल्चर वाला। कल्चर वाला भी पांच पार्ट्स के अंदर अपने उसको डिवाइड करेंगे, आर्किटेक्चर वाला जो वास्तु वाला है उसके अंदर जितने भी मंदिर टेम्पल वगैरह आपके फोर्ट्स जितने भी पैलेसेस हैं वो सारा कुछ आ जाएगा इसमें, प्लस में जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, फिर रहता है परफॉर्मिंग आर्ट का, लिटरेचर का, रिलीजियस लाइफ का, और एक है वो सोशल लाइफ का। तो ये पांच पार्ट में अपने इसको डिवाइड कर रखा है, सबका अपना अपना वो डिवाइडेशन है वो दिया हुआ है इसके आगे कि सोशल लाइफ में अपने को क्या पढ़ना है, रिलीजियस वाले में क्या पढ़ना है, लिटरेचर वाले पार्ट के अंदर क्या क्या कवर करते हुए जाना है। और अभी जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो काफी ट्रेंडिंग सा पार्ट है, तो वहां पे अपने को फोकस करना ही करना है। ये जैसे आर्किटेक्चर वाला पार्ट है तो वो भी ट्रेंडिंग पार्ट है, तो उनको फोकस में रखते हुए ही अपने को पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे जब अपने बढ़ेंगे सेशन में तो हम एक ट्रेंड एनालिसिस भी आपको दिखाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि यार कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस पोर्शन को अपने को बहुत अच्छे से कवर करना है। बट मोर और लेस अभी एक बार अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं। ये अपना सिलेबस है, मैंने थोरली आपको बता दिया है, डिटेल में आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब अपने इसमें टॉपिक वाइज है वो विजिट करेंगे, है ना, कि फर्स्ट टॉपिक क्या है। ये इंग्लिश के अंदर सिलेबस है, पार्शियलिटी फील ना हो किसी को, इंग्लिश मीडियम सिमिलर सिलेबस है, कोई भी चेंज नहीं है, जो हिंदी में लिखा हुआ है वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये बस कीवर्ड्स हिंदी और इंग्लिश के थोड़े थोड़े अलग होते हैं, आप सब समझदार है इस चीज को लेके। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कहां से चीजों को कवर करते हैं, है ना, और ये बड़ा प्रश्न है, और इसको अगर अपने क्लियर कर लेते हैं ना अपने दिमाग में कि यार कहां से पढ़ना है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की। ठीक है, और जैसा कि ट्रेंड रहा है आरपीएससी का प्रश्न पूछने का, जो उन्होंने जिस तरीके से प्रश्नों को पूछा है, तो सीधा सीधा एक बात पता चलती है कि जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान है, जो अजमेर वाला जो किताबें निकाल रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उन्हीं पे से वो क्वेश्चन को उठा रहा है, भले वो प्रीलिम्स में हो भले वो मेंस में हो। मैं ये नहीं कहूंगा सारे क्वेश्चन वहीं से उठा रहे हैं, बट मोर और लेस उन किताबों को प्राथमिकताएं दी जा रही है। तो क्या अपने भी अपनी तैयारी के अंदर उन किताबों को प्राथमिकताएं दे रहे हैं? शायद नहीं दे रहे हैं, इसीलिए जरूरत है अपने को पता होने की कि यार किस टॉपिक को कहां से पढ़ना है ना। तो राजस्थान के लिए जो राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए दो तो ये किताबें हैं आरबीएससी वाली, एक तो कक्षा 9 की किताब है स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, और एक कक्षा 10 की किताब है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति।
ये दोनों किताबें वो मान लीजिए कि राजस्थान के इतिहास के लिए आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब आपको जरूरी है, ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए और दोनों किताबें पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ दे वो चैप्टर छोड़ दे, नहीं, जहां चैप्टर छोड़ने होंगे मैं आपको अभी डिटेल में ही बता दूंगा सारी चीजें, तो ये दोनों बुक तो कंप्लीटली ही होनी चाहिए अपने पास। ये बुक इंग्लिश के अंदर ही भी है जो 10th वाली है, 9th वाली किताब है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हिंदी की बहुत ही सरल और आसान भाषा है, आप इजीली समझ सकते हैं उसको, आपको ये नहीं है कि यार ये समझ नहीं आ रहा है ना। और वर्ड्स थोड़े से आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि यार आंदोलन को मूवमेंट बोल रहे हैं या ये सूर्य को वैलर वगैरह बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के ही हैं राजस्थान की सारे के सारे। तो दो बुक अपनी आरबीएससी की होगी। अब एक ऑथेंटिक बुक है जिसको अपने को साथ में लेके चलना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको पूरा ही पढ़ना है, नहीं पूरा नहीं पढ़ना है, जहां अपने को जरूरत लगेगी, जहां हम मेंशन करेंगे या आप भी अपनी समझ के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। ये है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये बुक भी हिंदी के अंदर है, डॉक्टर हुकमचंद जैन साहब है उनकी किताब है और नारायण सिंह माली साहब का भी इसमें नाम है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय निकालता है भारत सरकार का। तो ये वो प्रमाणिक किताब है जिसका अपने को उपयोग करना है, ये ही ऑथेंटिक बुक है अपने को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बुक्स का मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ गई होगी बात की बुक कौन कौन सी चाहिए, ठीक है, 9th की किताब, 10th की किताब और एक बुक है वो ऑथेंटिक वाली, वो अपने पास होनी चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर इसके अलावा भी कुछ चाहिए क्या? हाँ जी सर, इसके अलावा भी कुछ एक चीजें अपने को पढ़ने के लिए चाहिए, वो चाहिए कि पुरानी जो आरबीएससी आती थी, पुरानी आरबीएससी 9th, 10th, 11th, 12th की जो चार किताबें थी, वो किताबें अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप शाबाशी के हकदार हो। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो उन किताबों में भी जो राजस्थान के इतिहास के लिए रेलेवेंट पार्ट है, अपने लिए जो प्रासंगिक भाग है, वो हमने पहले से ही अलग करके एक मर्ज पीडीएफ के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया है, जिसका नाम ओल्ड आरबीएससी नाम से कुछ भी आपका होगा फाइल का नाम ना, जिस भी ग्रुप में आप होंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐप में तो ऐप में मिल जाएगी, अगर प्राइवेट ग्रुप में तो प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएगी, जो भी कोर्स में इनरोल हो चुके हैं उनके लिए। तो इनके अलावा जो भाग जहां से कवर करने की जरूरत पड़ेगी, अभी जब हम नीचे टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, तो वो बुक का जो एक क्या बोलते हैं कंबाइंड पीडीएफ है वो हमने डाल दी है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि यार ये थर्ड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, वो आपको पूरा ध्यान में रहेगा, ठीक। हेलो हेलो, ओके सर, ओके, ज्यादा मिस तो नहीं हुआ पार्ट? नहीं, मिस नहीं हुआ। ओके ओके ओके, मैं स्टिल थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि ये तीन बुक्स तो है ही है अपनी, इसके अलावा जो बुक है, जो कंबाइंड बुक हमने डाली है, वो आपको एक सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा पार्ट पढ़ना है, ठीक है। अब बढ़ते टॉपिक वाइज ना, इसको थोड़ा सा टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि यार किस टॉपिक को कहां से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्री हिस्टोरिकल साइट वाला जो पोर्शन है, प्री हिस्टोरिकल साइट फ्रॉम ये चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज और ये वाला सारा जो पोर्शन है वो अपने को पढ़ना है। जो 10th वाली अपनी जो किताब है जो मैंने ऊपर दिखाई आपको है, इस 10th वाली किताब का फर्स्ट ही चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट है, क्योंकि ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है तो आप लोगों को यहाँ से कवर करने में आसानी रहेगी। अच्छा, इसमें एक पार्ट जो है वो प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति, सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर इन एशियंट राजस्थान, तो ये वाला पोर्शन है वो हम एक छोटी सी पीडीएफ डालेंगे आप लोगों के लिए, आप वहां से कवर कर लेना। और बाकी जितने भी सेंटर्स हैं, हिस्टोरिकल सेंटर्स हैं, भले ही वो कालीबंगा हो, भले ही वो सुनारी हो, या इस तरीके के भीनमाल जैसे रहा हो, या मौर्यकालीन कोई भी स्थल रहे हो, उन सबका जो डिस्क्रिप्शन है या उनका जो वर्णन है वो आपको इस चैप्टर में प्लस जो पीडीएफ डालेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए कहीं भी डिटेल में और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आरबीएससी को फॉलो करना है आपको, है ना, और ज्यादा कुछ समझ नहीं लगानी है इसमें, आरबीएससी को पढ़ना है। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम आपको किताब भी बता रहे हैं, है ना, ऑथेंटिक किताब जो हमने आपको बताई है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट मोर और लेस आरबीएससी पे फोकस करना है अभी। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डायनेस्टीज वाला, है ना, प्रमुख राजवंश। अपने को भी पता है यहाँ पे अपने को काफी डिटेल में बात करनी होती है, काफी लंबा चौड़ा इसमें रहता है वर्णन, जैसे फॉर एग्जांपल कि यार अगर आप गुहिल शुरू कर लेते हो या सिसोदिया शुरू कर लेते हो तो वो भी अच्छा खासा मतलब अपने को पढ़ना पड़ता है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, सिमिलरली अपने को यही बुक पढ़नी है, इसका ही फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जो 10th वाली बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, तो उसके अंदर आपको डायनेस्टीज वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार ये डायनेस्टी वाला पार्ट या राजवंश वाला पार्ट इसमें कम है, तो फिर अपने को जो हुक्मीचंद जैन सर वाली किताब है, हुक्मचंद जैन सर वाली, उस किताब से भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए एक बार ठीक है समझ बनाने के लिए, और
प्रश्न की मांग आई थिंक आपकी फुलफिल हो भी जाएगी, ज्यादा अगर पढ़ने जाएंगे तो शायद ये अपने ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो मोर और लेस डायनेस्टीज वाले पार्ट में एक तो इनकी कल्चरल अचीवमेंट पता होनी चाहिए और इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट पता होनी चाहिए। मोर और लेस अभी कल्चरल पे ही फोकस कर रही है आरपीएससी, पॉलिटिकल पूछ लिया था पहले बट अभी कल्चरल पे बात चल रही है तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनकी नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू जो सिस्टम है उसके लिए अपने को ओल्ड राजस्थान अध्ययन पढ़नी पड़ेगी 12th क्लास की, और उसका चैप्टर 2nd है, पीडीएफ में वो मेंशन है और इसी नाम से मेंशन है, प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। तो अपने को कुछ नहीं करना, ये प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था नाम का जो अध्याय है, अध्याय दूसरा, वो अपने को पढ़ लेना है, उसी में से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये हिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, एंशियंट और मिडेवल वाला, मॉडर्न राजस्थान है वो अपने को कहां से पढ़नी है। तो सबसे पहला टॉपिक है सोशल अवेकनिंग का, है ना। तो सोशल अवेकनिंग 10th की बुक थी राजस्थान अध्ययन की ओल्ड वाली, उसका चैप्टर 1st है, तो वो अपने को पढ़ लेना है। इसके अंदर सामाजिक जागृति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट यहाँ पे मिलने चाहिए आपको सारे मिल जाएंगे, भले वो आर्य समाज से रिलेटेड हो या वो गोविंद गिरी जी से रिलेटेड हो, तो मतलब जितना भी पोर्शन सामाजिक जागृति से रिलेटेड रहेगा वो 1st चैप्टर के अंदर आपको कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में मॉडर्न का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो कवर करते हुए चलेंगे। उसमें मैंने आपको बता दिया 5 टॉपिक मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे कि पीजेंट मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन है, ट्राइबल मूवमेंट यानी कि जनजाति वाला है, और यूनिफिकेशन, प्रजामंडल और प्लस में 1817 वाला भी है। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन आपको शौर्य परंपरा वाली जो किताब है उसके अंदर 7 अध्याय है, टोटल 7 चैप्टर है, तो अपने को 1 से 6 लगातार पढ़ने हैं। 7वां अध्याय अपने सिलेबस का पार्ट डायरेक्टली नहीं है तो उसको एक बार अपने रहने देते हैं। प्लस में ये जो पोर्शन है कि समाचार पत्रों की भूमिका या राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका या महिलाओं की भूमिका भी मैं आपको बोल देता हूँ इसमें, कि रोल ऑफ वुमेन्स क्या है या वुमेन क्या है या न्यूज़पेपर्स का क्या रोल है या पॉलिटिकल जो उस टाइम के इंस्टीट्यूशन थे उनका क्या रोल है, इसके लिए अपने को ये ओल्ड राजस्थान अध्ययन का 11वीं की जो ओल्ड राजस्थान अध्ययन है उसका पहला भाग है, पहला अध्याय है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसमें इन डिटेल दिया हुआ है कि प्रजामंडल की क्या भूमिका थी, महिलाओं की क्या भूमिका थी, ट्राइबल्स की क्या भूमिका थी, तो वो सारा कुछ उन्होंने इस तरीके से ही डिवाइड कर रखा है। तो ये समाचार पत्र और राजनीतिक संस्थाओं वाला वहां से हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है अपना, वो कवर हो चुका है, मैं एक बार फिर से थोरली रिवाइज करा देता हूँ आपको कि एंशियंट वाला पार्ट है वो चैप्टर 1st से हो जाएगा, डायनेस्टीज चैप्टर 1st से पढ़नी है अपने को अपनी समझ डेवलप करने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो अपने को जो हुकमचंद जैन सर वाली किताब है वहां से कवर करना चाहिए। ठीक है, जरूरत अभी इतनी ज्यादा नहीं है, पहले अपने को अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है उसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो रेवेन्यू वाला है वो चैप्टर ये बता ही दिया मैंने, इसके बाद में मॉडर्न वाला पार्ट है, आप शौर्य परंपरा उठा के लाइए, शौर्य परंपरा वाली किताब को अच्छे से पढ़िए, 6 चैप्टर उसके हैं, और उन्हीं 6 चैप्टर के बाद में अगर थोड़ा सा जरूरत पड़ती है जैसे सामाजिक जागृति और वाले पोर्शन के अंदर अपने को 1 चैप्टर यहाँ से पढ़ना पड़ेगा और एक जो भूमिका वाला जो है कि इसका क्या रोल है उसका क्या रोल है उसके अंदर अपने को 1 चैप्टर है वो पार्ट 3 जो भाग 3 है उसका अंदर अपना 1st चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात हो गई है राजस्थान की हिस्ट्री वाले पार्ट की, अब आर्ट एंड कल्चर का भी अपने देख लेते हैं। कल्चर को मैंने जैसे कहा कि 5 भागों में डिवाइड कर रखा है अपनों ने, तो वो 5 भाग कौन कौन से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, आर्किटेक्चर वाले पार्ट के लिए अपने को 10th की जो बुक है उसका चैप्टर 5th और 6th पढ़ना है। ठीक है, 5th और 6th। ठीक, इसके अलावा जो जैसे चित्रकला वाला पोर्शन है, हैंडीक्राफ्ट वाला जो पोर्शन है, पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट और ये सारा है वो अपने ओल्ड राजस्थान अध्ययन से कवर करते हुए चलेंगे। ओल्ड राजस्थान अध्ययन 11वीं की है, अध्याय इसका, चैप्टर इसका 2nd है। ठीक, यानी कि जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है वो 5th और 6th चैप्टर से, और थोड़ा सा जो बचा हुआ इसके अंदर पोर्शन है वो अपने ओल्ड राजस्थान अध्ययन से कवर हो जाएगा 11th क्लास वाले से, तो कहीं भी जाने की जरूरत है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर लोक नाट्य, लोक संगीत और लोकवाद्य, ये लोक नृत्य सॉरी और लोकवाद्य भी, ये वाला पोर्शन इसके अंदर रहता है। इसके लिए अपने को 7th और 8th चैप्टर अपने को पढ़ना है, वही सेम बुक। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एक ही बुक को बेस में रखना है, वो बुक है 10th वाली बुक है ना, वो उसको अपने को बेस रखना है। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वाद्य यंत्र अगर आपको पढ़ना है तो आप हुकमचंद जैन साहब को भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक छोटी सी पीडीएफ डाल देंगे वाद्य यंत्र है ना, तो इसमें 4 टाइप के वाद्य यंत्र है वो अपने को पता होने चाहिए भी, कौन सा सुशीर है, कौन सा धन है, तो उसके अंदर लिस्ट है, हर एक के अंदर 20-20 एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा देख लेंगे तो सीधा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जादूगर कौन है या बेस्ट परफॉर्मर इसका कौन है, तो वो सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए थोड़ा सा लोकवाद्य वाले टॉपिक में, क्योंकि ये वाला इन
पार्ट के अंदर नहीं है लोकवाद्य वाला, तो अपने अलग से पीडीएफ भी दे देंगे और आप अगर फॉलो करते हो तो आप बुक से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक, इसके बाद में लिटरेचर वाला पार्ट है जो अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अंदर एक तो डायलेक्ट सब डायलेक्ट वाला पोर्शन रहता है, जो इस बार मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया उन्होंने डुडारी से रिलेटेड, तो वो वाला पार्ट और लिटरेचर जो है वो, यानी कि ये जो फोक लिटरेचर और ये वाली चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं। पिछले मेंस में आया भी था, पिछले जो 2021 के मेंस में है, चारण साहित्य से रिलेटेड। तो ये है, इसके लिए अपने को वही 10th की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है। ठीक, रिलीजियस लाइफ पे आ जाते हैं सर। रिलीजियस लाइफ में अपने दो चीजें मेनली पढ़ते होते हैं, एक तो संत संप्रदाय पढ़ते हैं और एक लोक देवी देवता पढ़ते हैं। इसके लिए चैप्टर 2nd है उसी बुक का, 10th वाली बुक का चैप्टर 2nd है, और इसमें लगभग लगभग सभी लोक देवी देवताओं को कवर कर लिया गया है। इवन संत संप्रदाय भी, जितने आपको पढ़ने चाहिए मोर और लेस, वो सारे इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, फिर भी जरूरत लगेगी, एक दो एक्स्ट्रा बताने होंगे, तो जब अपने डेली क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें भी कई ऐसे नाम आ जाएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो उसके एक्सप्लेनेशन में जब आप जाओगे ना तो उस नाम की एक डिटेल में व्याख्या डली होगी एकदम, मतलब प्रिसाइजली और पॉइंट वाइज पॉइंट की। यार जैसे फॉर एग्जांपल दादू जी पे अगर अपनों ने व्याख्या डाली है तो वो दादू जी के बारे में सारी बातें उसमें है, वो मेंशन होगी। ठीक है, तो वहां से भी अपना बहुत अच्छा कवरेज बनेगा। ठीक है, तो एक तो बुक अपने को पढ़नी पड़नी है, बुक जैसे ही आप पढ़ोगे तो ये सारा टॉपिक है वो कवर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, देखिए सोशल लाइफ वाला जो है, सोशल के अंदर तीन चीजें अपने देखते हैं, एक तो अपने आभूषण और वेशभूषा वाला जो टॉपिक है वहां से करते हैं, एक अपने रीति रिवाज को देख लेते हैं और एक अपने मेले और त्यौहार को देख लेते हैं। इसके लिए अपने को वही 10th वाली बुक उठानी है और उसका चैप्टर 3rd और 4th चैप्टर अपने को कवर करना है। मोर और लेस इसी से चीजें हो जाएगी, सारे त्यौहार वगैरह सारे आभूषण वगैरह आ जाएंगे। दो फिक्स क्वेश्चन जो दिखते हैं, या मतलब मोर और लेस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो एक तो ऑर्नामेंट वाला पार्ट है और एक है वो फेयर एंड फेस्टिवल वाला पार्ट है, जिसे मैचिंग करवाने के क्वेश्चन या कौन सा इससे सुमेलित नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। इसके बाद में एक पार्ट और रहता है, वो रहता है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। वैसे तो आप सारी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप मेजरली जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, लीडिंग पर्सनैलिटीज है, वो सारे व्यक्तित्व आप पढ़ते हुए आओगे, भले ही वो प्रताप साहब हो, भामाशाह हो, या फिर इधर दुर्गादास जी हो, मतलब मैं आपको बहुत ही ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, तो आप सभी पढ़ते हुए आएंगे, मीराबाई तक आप, लास्ट में दादू जी, सब पढ़ेंगे आप ना। बट मोर और लेस एक चैप्टर इस बुक के अंदर भी दिया हुआ है, 11th चैप्टर है 10वीं की किताब का, उसमें भी जैसे कवि श्यामलदास जी के बारे में लिखा हुआ है, कन्हैया लाल जी के बारे में, सेठिया साहब के बारे में लिखा हुआ है, दुर्साडा साहब के बारे में लिखा, तो ये सब चीजें लिखी हुई है उसके अंदर, है ना। तो अपने को कहीं भी ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार ये क्यों पढ़ना है, वो क्यों पढ़ना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर को जाके फॉलो करना है, तो अपने को लगभग सभी लोगों के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी है वो मिल जाएगी। कल्चर वाला पार्ट मैं आपको फिर बता देता हूँ, 5 पार्ट के अंदर अपने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला है आर्किटेक्चर वाला पार्ट, 2nd है परफॉर्मिंग आर्ट वाला पार्ट, 3rd है वो लिटरेचर वाला पार्ट है, 4th है वो रिलीजियस लाइफ, और 5th है वो सोशल लाइफ। इनको इरिस्पेक्टिवली इनके जो चैप्टर गिवन है अपने को वहां से कवर करते हुए चलना है, और जो 10th वाली जो बुक है उसको ही बाइबल मान के चलना है, उसी को गीता मान के चलना है, कि इसी को पढ़ना है। इसके बाद में अगर कहीं से अप्लाइड फॉर्म में चीजें याद करने की जरूरत पड़ रही है तो हम कवर कर लेंगे, और तेज टीम भी आपके लिए कोशिश करेगी, हमारे साथ जो फैकल्टी है, जो टीम मेंबर है, वो आपके लिए एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवाएं, बट वो अब हम अभी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं पहले आप अपनी मेहनत करिए खुद से, हम स्पून फीडिंग नहीं करना चाहते, आप अपनी मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं, जिसमें सारी चीजें हों, जिसमें सारे आपको डिटेल में बातें हों। हालांकि हम ज्यादा नोट्स वाले चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, बट फिर भी आपके एड ऑन के लिए कि यार कोई चीज आपकी छूटे ना, आपने ये आरबीएससी पढ़ ली है बट आपका एड ऑन हो जाए, आपके पॉइंट्स और इनरिच हो जाए, वो सब चीजों के लिए हम ट्राई करेंगे हमारी तरफ से। तो ये हो गया कल्चर वाला पार्ट। अब देखिए ये सिलेबस अपनों ने देख लिया, मैंने तैयारी सॉरी सेशन के आपके शुरुआत में बात की थी कि तैयारी करने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो अपने को सिलेबस चाहिए, दूसरा चाहिए पुराने प्रश्न PYQ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ क्या है, क्या महत्व रहता है पुराने प्रश्नों का, तो सीधी सी बात है जी, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, पेपर की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, अटेम्प्टिंग कल्चर उसका क्या है, कि उस लोग किस तरीके से करते हैं कि यार 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन अब आने लग गए हैं तो 4 में से कितने प्रोबेबिलिटी बनती है, वो सारा अटेम्प्टिंग कल्चर क्या है उसका, वो सारा कुछ अपने को ध्यान में रखना है। तो जो PYQ जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह ना कि इस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो ये सब चीजें PYQ में पता चलती है। मैं थोड़ा सा जो एनालिसिस अपना अपनों ने किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
टॉपिक वाइज वेटेज है आपने देख रखा है, तो जो आपको ये इमारतें दिख रही है बड़ी बड़ी, तो सबसे बड़ी जो इमारत है वो मॉडर्न वाले पार्ट की इमारत है, जिसमें प्रजामंडल दिख रहा होगा आपको, ट्राइबल मूवमेंट दिख रहा होगा आपको, पॉलिटिकल अवेकनिंग दिख रही होगी, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, और ये सारा कुछ दिख रहा होगा आपको, इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो समझ ये कहती है पेपर के एनालिसिस को देख के कि यार जो मॉडर्न वाला जो पार्ट है अपना, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं कि अगर 100 क्वेश्चन अगर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है वो इस पार्ट से हैं, ठीक है। सिमिलरली 15 क्वेश्चन है वो यार जो आपके पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, टेम्पल, जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है वहां से है। मोर और लेस सिमिलरली यहाँ पे 13 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन है वो किससे है, लैंग्वेज वाले पार्ट से, लिटरेचर वाले पार्ट से। तो ये एनालिसिस आपको बताता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं फिर एक बात कहूंगा कि इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपनी समझ के लिए इसको हम देख रहे हैं कि यार अपने को पता होना चाहिए कि आरपीएससी का जो पेपर का पैटर्न है वो कहाँ हिट कर रहा है सबसे ज्यादा। तो ये नहीं है कि सर नेक्स्ट पेपर होगा सर उसमें से तो इतने आए ही नहीं, नहीं, अपने को पता होना चाहिए सिर्फ ये चीज ना। और क्यों ये इसलिए भी बताया जा रहा है कि आप किसी टॉपिक को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इधर जो लास्ट में टॉपिक है जो एंशियंट वाला पार्ट है, तो अगर आप इसको ही रट रहे हो पूरी तरह से कि सर ये फर्स्ट टॉपिक है इसको रट लेते हैं, बट पता चला कि हम पिछले सालों में या आरपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ नहीं रही है, हालांकि अब प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है इस बार के मेंस के बाद में आरपीएससी के लेकर अगर प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, तो शायद हम गलत स्थिति में है ना। बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए, ये आपके एक समझ के लिए ये चीज आपको दिखाई गई। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन टफ आते हैं, इजी आते हैं, क्या रहता है। देखिए अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आप कर दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, इतना इजी होगा कि अगर आपकी थोड़ी भी रिवीजन हुई हुई है तो आप कर सकते हो उसमें, है ना। लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से टफ पड़ते हैं, जिनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए या एक ऐसा फैक्ट चाहिए जो अपनों ने कहीं नहीं पढ़ा है, तो 10 से 15% क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। बट इस चार्ट को देख के ये समझ आ रहा है कि यार अगर ठीक ठाक मेहनत की जाए तो 10 में से 9 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, है ना। अगर मैं मान के चलूं ऑन एन एवरेज अगर 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो 15 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो अपने को परेशान करे, या 2 फैक्ट ऐसे आ सकते हैं जो अपने को परेशान करे। अदरवाइज अगर अपनी तैयारी अच्छी है तो कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्या एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं? जी बिल्कुल नहीं, एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आता आपको, वो ऐसे नहीं पूछता है 3-4 स्टेटमेंट मार के कि यार एनालिसिस करिए इसमें, जैसे पॉलिटी में पूछा जाता है ना, जैसे अदर सब्जेक्ट में होता है। इसमें वो आपसे ऐसे नहीं डिमांड कर रहा है, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि यार आप सीधे सीधे बता दो कि कुवलयमाला में कितनी भाषाओं का वर्णन था, है ना। सीधी सीधी बात बता दो आप हमें, हमें कोई एनालिसिस नहीं चाहिए। तो 95% क्वेश्चन है वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो कुछ भी आपसे डिमांड नहीं करता, आपको अच्छे खासे फैक्ट वहां पे याद करके पहुंचना है राजस्थान हिस्ट्री के बिहाफ पे, है ना। तो ये है, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं, है ना। अब इस सारी कन्वर्सेशन का सार क्या निकलता है, इन्फेरेंस क्या है? इन्फेरेंस ये है जी कि 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अपने को कवर करना है अच्छे से, और वहां से 40% पोर्शन आ रहा है। हालांकि मैं इस बात को अभी डिनायल में डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। मोर और लेस बात सिर्फ इतनी है कि अगर ठीक ठाक मेहनत करेंगे तो 90% क्वेश्चन अपने हाथ में है, अपनी आंखों के सामने है, ठीक है। अच्छे अंक लाने के लिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है, तो 90% क्वेश्चन अगर इजी या मीडियम रेंज के आ रहे हैं तो अपने को कवर करना चाहिए, भागना नहीं है। जो ह्यूमनिटीज के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, हालांकि अब भी उन लोगों ने रट ली होगी, बट फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए ये चैलेंज रहता है कि सर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ नहीं है, 9th-10th की किताबें उठानी है, उनको सिरे से फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। ये इसका इन्फेरेंस है, ये इसका निष्कर्ष है, ठीक है। क्या आप क्वेश्चन भी देख लिए जाए, तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो 2023 के पेपर के क्वेश्चन डले हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सीधे सीधे फैक्ट पूछ रहा है। तो देखिए, ये नतमल की हवेली पूछ ली आपसे, है ना। तो अब अगर नतमल की हवेली पूछ ली तो वो कोई और हवेली भी तो पूछ सकता है, जैसलमेर की या जहां की उसका मन करे, है ना। तो हवेली क्यों, फिर वो कहीं के महल भी पूछ सकता है, क्योंकि हवेली वाला पोर्शन आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो महल वाला पोर्शन भी तो आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो वो कहीं से भी आपको जल महल पूछ लेगा जी, किसी भी प्रकार का हवा महल पूछ लेगा, मतलब बहुत ही आसान सा फैक्ट है जो पूछ लेगा आर्किटेक्चर वाले पार्ट में, है ना। नतमल की हवेली किसी का माड़िया पूछ लेगा जी, है ना। तो वो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा अवेयर भी रहना है। अवेयरनेस का गेम, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है,
क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि मालव जनपद की लोह सामग्री के संग्रह कहाँ से प्राप्त हुए, ये उत्खनन में, ठीक है। तो ये अपने को ठीक है बात समझ गए कि यार ये अब क्या कर रहा है, एंशियंट में जाके जनपद वाले टाइम पीरियड में जाके कुछ पूछ रहा है। तो अपने को थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो अपने को पता चल जाएगा यार मत्स्य का भी तो पूछ सकता है, सोरसेन का भी तो पूछ सकता है, किसी और का भी तो पूछ सकता है। या जैसे एक मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल ऐड ऑन कर देता हूँ ना, अभी न्यूज में एक गांव चर्चा में था, बखज नाम से गांव है एक, आई थिंक डीग के अंदर होना चाहिए, मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, बखज गांव है। तो बखज गांव में एक्सकवेशन हुआ, उत्खनन हुआ, तो वहां पे मौर्य कालीन सभ्यताओं के मतलब प्रमाण मिले हैं, कुछ उपकरण मिले हैं, कुछ शाण कालीन कुछ प्रमाण मिले हैं, और भी बहुत सी चीजें वहां से उपकरण टाइप चीजें हैं, वो टूल्स हैं वो मिली है। तो अपने को पता होना चाहिए कि यार ये बखज गांव है वो अभी चर्चा में है डीग का, और इस यहाँ पे उत्खनन वगैरह चल रहा है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन प्री के किसी सिलेबस से कनेक्ट करके पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। इस बार जो मेंस हुआ है उसमें लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे क्वेश्चन के साथ उसने ऐसे ही किया कि न्यूज में था उसको उठा के पूछ लिया, या कहीं भी उस टाइम की चर्चा में वो दिख रहा था और उठा के उसने पूछ लिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के किस राजा ने दिल्ली पे सबसे पहले अधिकार किया, तो अजमेर के किस राजा ने दिल्ली पे अधिकार किया, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया। अब किसी और का भी पूछ सकता है, मेवाड़ मारवाड़ से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कि किसी एक स्पेसिफिक बैटल को या वॉर को अंडरलाइन करने के लिए या एक किसी रिलेशन को अंडरलाइन करने के लिए उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने मालदेव के टाइम पे जो था सिस्टम जो दिल्ली के साथ, उसको भी हाईलाइट करने के लिए वैसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अरब यात्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, तो चीनी यात्री से रिलेटेड पूछा नहीं जा सकता क्या, पूछा जा सकता है ना। तो इस तरीके से सोच समझ के चलना है कि यार ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील कर रहे हैं, तो क्या है? इसमें कोई और अप्रोच भी बन रही है ना। सुलेमान का नाम ले लिया तो वो किसी और का भी नाम ले सकता है, वो भीनमाल जो जगह है वहां से उसको कनेक्ट करके पूछ सकता है, वो गुज्जर प्रतिहार से कनेक्ट करके पूछ सकता है। तो वो अपने को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर रखनी पड़ेगी साथ साथ में कि यार ये चीज अगर है तो देखिए एक जैसे, हाँ ये डेट पूछने का एक कल्चर भी चल रहा है ना, 1 से 2 तारीखें वो पूछ ही लेता है ऐसे जबरदस्ती से कि यार ये बता दे, है ना। तो थोड़ा इसके लिए घबराना नहीं है, अगर याद आ जाती है उस टाइम पे तो कर देना है, अगर नहीं याद आती, जैसे मत्स्य संघ वाला है ना, तो इसमें अपने इसको चरण वाइज याद करते हैं, फेज वाइज याद करते हैं, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि यार ये इस फेज का था, इस फेज की ये डेट है, क्योंकि अपने तारीखें भी तो ऐसे याद करते हैं, ऐब ऐब ऐसे, तो उस सीक्वेंस में अपने जो इसको याद करते हैं उस तरीके से इसको डील किया जा सकता है। बट छोड़िए कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो ही फोकस करना है, अदरवाइज इनको रोका जा सकता है ना अटेम्प्ट करने से भी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार टिपिकल बनाने के लिए या पेपर को थोड़ा सा हार्ड दिखाने के लिए पूछ लेता है कि जो तेजावत साहब थे उन्होंने किस ठिकाने के अंदर कामदार का काम किया था। तो सिमिलरली वो गोविंद गिरी जी पे भी तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्राइबल में वही बचे हैं एक और, है ना। तो इस तरीके से चीजों को सोचते हुए चलना है अपने को। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी अपने को देखना है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ सारा। हाँ जैसे इजी क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो अग्नि नृत्य वाला है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुवल्यमाला वाला है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अचल दास जी वाला क्वेश्चन है तो ये भी बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, अब देखिए ये बाबूजी तेजा जी, इनके अगर आपको वो बिल्कुल प्रधान पीठ या जो इनका जो मुख्य देवरा जिसको आप बोलते हो वो अगर पता है तो इजीली कर सकते हो। एक फेमस मेला पूछ लिया उन्होंने, तो अब अगर चंद्रभागा पूछा है तो वो कोई और भी पूछ सकता है ना। तो इस तरीके से अपने को पता होना चाहिए कि तेजा जी का मेला कहाँ है, या और भी जो नदियों के किनारे लग रहे हैं, क्योंकि अपने को पता होनी चाहिए ये चीजें। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन, अब ये गिरी दुर्ग वाला है, दुर्ग का जो क्वेश्चन है आपको नहीं पता यार इनमें से कौन सा गिरी दुर्ग है, बट आपको ये पता है कि गागरौन वाला तो जल है, जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग है ना, ये तो अपने को पता है ना। तो ये अपने को पता है तो यार ये गिरी दुर्ग तो नहीं हो सकता, पानी के अंदर बना हुआ तो ये गिरी दुर्ग कैसे होगा ना, तो ये उत्तर हो जाएगा, नहीं पूछा है उसने सिंपली। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड भी काम करते हैं उस टाइम पे, अगर आपकी थोड़ी सी समझ बनी हो सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैं और देख रहा था, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसी से कनेक्ट कर देता हूँ इसको ना, या आगे देख लेते हैं क्वेश्चन और कौन से, 2021 का जो क्वेश्चन है। हाँ जैसे इस पे इन्होंने दादू जी वाले पंथ से, दादू पंथ से क्वेश्चन पूछ लिया, 4-5 लोगों के नाम दे दिए, है ना। तो क्या और भी ऐसे कोई पंथ है राजस्थान में जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और छोड़िए ऑप्शन में देख लेते हैं, लालदास से संप्रदाय है, लालदास जी वाला, तो उससे क्या पूछा नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बात है पूछा जा सकता है। राम स्नेही जो संप्रदाय है उससे पूछा जा सकता है। जैसे अब जैसे इसमें ना न्यूज का भी बहुत बड़ा रोल रह जाता है, धीरे धीरे बढ़ रही है ये चीजें। जैसे अभी प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो बनेश्वर धाम जाके,
तो क्या बेनेश्वर धाम जो अपना है डूंगरपुर वाला, उसका किसी से कनेक्शन बैठता है क्या किसी किसी लोक देवता से? तो आपको पता होना चाहिए कि उस लोक देवता के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता। मावजी के बारे में, जो वहां के जिन्होंने बेनेश्वर धाम की उस टाइम नींव रखी थी, तो क्या उनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता क्या? क्योंकि न्यूज में है वो, अभी हेडलाइंस में अखबार की है ना, इसलिए अखबार की इंपॉर्टेंस, न्यूज पेपर की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो अभी अगर जैसे मावजी वाला क्वेश्चन आ जाता तो हैरानी की बात थोड़ी है कोई, ठीक है? जैसे मैं आपको त्योहार के लिए बता रहा था कि यार ये मैच द फॉलोइंग वाला गेम खेलता है त्योहारों के अंदर, तो वो क्वेश्चन आ गया 2021 के अंदर। हाँ, एक किसी जो रिचुअल है या कोई ट्रेडिशन है उसका एक ऐसे अजीब सा नाम देके, या कोई प्रथा है उसका अजीब सा नाम देके, और वो पूछ लेता है अपने से, जनोटण पूछ लिया, आणो पूछ लिया, बद्दर क्या होता है वो पूछ लिया। तो ये सीक्वेंस में जब आप देखोगे उस टॉपिक के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि यार ये है अपने कल्चर का पार्ट है, अपने सोसाइटी का पार्ट है ये ना। तो ऐसे किसी भी कीवर्ड को डाल के वो आपसे पूछ सकता है। हाँ, टिपिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, जैसे कि यार उसने दो तीन फैक्ट दिए आपको और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 2021 वाले के अंदर एक क्वेश्चन और भी था ऐसा, जो मंदिर से रिलेटेड था। हाँ, जो ये रहा क्वेश्चन, वो कि ये मंदिर बनाया, ये ढह गया, फिर सॉरी ये मतलब इन्होंने कहीं अन्यत्र बनाया, सॉरी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अब ये किसी को नहीं पता था उस टाइम, हालांकि बाद में सभी ने इसका उत्तर ही बताया, व्याख्या किसी ने नहीं दी। पर ये है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ अपने को सिर्फ वो नहीं है कि यार ये टफ क्वेश्चन है, ये यहाँ से टफ आते। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो आरबीएससी से नहीं है, नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। वो आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आपका थोड़ा सा समय लगे इसमें, है ना? तो अपने को ऐसे क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं करना है ज्यादा, जो बहुत ही ऐसे डिटेल में अपने को फैक्ट पूछे या बहुत ही टफ सा बन के पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मेरे को नहीं पता यार नाग दमन किसकी है, रणमल छंद किसके, मेरे को सिर्फ ये पता कि नेत्रंग है वो प्रताप सिंह जी की तो नहीं थी। इससे ही अपना क्वेश्चन बन जाए। सिर्फ अपने को इतना पता होना चाहिए कि नेत्रंग प्रताप सिंह जी की तो नहीं थी अपने को, क्योंकि नेत्रंग बुद्ध सिंह जी की कोटा वाले की थी। तो ये चीज है, ठीक है? तो प्रीलिम्स का आपको चीजें समझ आ गई होगी सारी, कि यार प्रीलिम्स को कैसे डील करना है ना? प्रीलिम्स के कैसे PYQ रह रहे हैं, कैसे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, क्या सिलेबस का पार्ट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज को कितना डिटेल में पढ़ना है, वो अपने को शायद अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी थोड़ी। और जितना आप पढ़ते जाओगे साथ साथ आपकी वो चीजें भी क्लियर होती जाएगी, ठीक है? तो प्रीलिम्स का पोर्शन तो था, वो डिस्कस हो गया है अभी, और अभी मैं मेंस का भी शुरू कर देता हूँ। राजेश सर, मेंस का भी साथ में शुरू रखना है अपने को? हाँ जी सर, मेंस वाला भी डिस्कस कर दीजिए अभी ना, क्योंकि ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू। मंथन में मेंस का भी है ना उनको, और क्यूबिट फॉर मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कल से मेंस के क्वेश्चंस भी लिखने हैं राजस्थान हिस्ट्री के, तो उनको आइडिया लग जाएगा। ओके सर, तो मेंस का भी मैं बता देता हूँ। देखिए वही बात सिमिलरली, कि किसी भी चीज के लिए सिलेबस बहुत बड़ी चीज होती है, किसी भी एग्जाम के लिए, है ना? तो मेंस का सिलेबस अपने को पता होना चाहिए, और मेंस का सिलेबस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये सिलेबस रहेगा। एक बात बताऊं, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है जो डिटेल में मेंशन किया हुआ था, अब उसको उन्होंने कंसाइजली कर दिया है। कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं की है, कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं किया है, कि बस उन्होंने क्या किया, मर्ज कर दिया। जैसे वहां पे परफॉर्मिंग आर्ट को डिटेल में दिखाया हुआ था, वहां पे आर्किटेक्चर को डिटेल में बताया हुआ था, है ना? बट यहाँ, वहां पे सोशल लाइफ को डिटेल में बताया हुआ था, बट यहाँ पे उसने क्या किया, मर्ज करके एक ही बना दिया। क्यों? क्योंकि मेंस के सिलेबस को दिखाना भी ऐसे होता है कि यार बहुत कंसाइजली चीजें पूछी जा रही है ना? तो ये सिलेबस है मेंस का, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी ये रहा, है ना? तो वही सिलेबस का पार्ट वही है, वही प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था है, वही किसान जनजाति आंदोलन वगैरह भी वही है, वही पर्यटन। हाँ देखिए, अब दो चीजें अपने को समझनी है। मेंस के सिलेबस में जो नई पार्ट है वो है विश्व विरासत स्थल वाला जो पोर्शन है, ये नया है। तो ये करंट अफेयर से कवर करना है अपने को, है ना? कि जयपुर पर कोटा है कि नहीं है, कोई नृत्य इसमें इंट्रोड्यूस्ड है कि नहीं है, ठीक है? और एक पोर्शन है वो पर्यटन वाला है। तो दो चीजें अपने इसको अपने को इसमें एड ऑन करनी है, बट दो चीजें इसमें छोड़नी है भी है। जैसे आभूषण वाला जो टॉपिक है आपका, आभूषण ऑर्नामेंट्स वाला जो टॉपिक है, वो अपने को इसमें शायद लर्न नहीं करना है। वाद्य यंत्र वाला टॉपिक भी है, वो भी अपने इसमें स्किप कर सकते हैं, मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट आप प्री के लिए पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज के लोड में लेना ही नहीं है कि यार ये प्री के लिए पढ़ लिया तो इसको छोड़ देते। ऑर्नामेंट वाला नहीं आता है जनरली, वाद्य यंत्र से तो 21 के अंदर एक क्वेश्चन आ गया था, बट डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वो पाबूजी के रेफरेंस में पूछा होगा। बट फिर भी थोड़ा सा अगर अपने प्री में पढ़ के ही आ रहे हैं तो मेंस में अपने को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सिलेबस अपनों ने देख लिया, सिलेबस कहाँ से कवर करना है। देखो सारे टॉपिक वैसे मैंने बता दिए प्रीलिम्स में ना, कि यार ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है, बट फिर भी दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा अपना कि कहाँ से क्या पढ़ना है। और जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे पर्यटन वाला है वो कहाँ से करना है, या ये धरोहर वाला मैंने बता दिया, वैसे तो करंट अफेयर से करना है, बट फिर भी बुक वही रहेगी, हुकमचंद जैन सर वाली किताब, नारायण लाल माली सर वाली, ठीक है? अब देखिए
अब डिटेल में थोड़ा सा और पता चल जाएगा आपको। जैसे ये शौर्य परंपरा वाली किताब, इसमें जो पीजेंट मूवमेंट है, जो किसान आंदोलन वाला टॉपिक है, वो थर्ड चैप्टर है। कहीं नहीं जाना, जितने भी 5-7 किसान आंदोलन राजस्थान के अंदर हुए हैं, बिजोलिया बेंगू जितने भी हैं, ठीक है, सीकर वाला जयपुर वाला, सभी मारवाड़ के भी, सभी इसमें इंक्लूडेड है। ट्राइबल जो मूवमेंट है, जनजाति आंदोलन है, वो फोर्थ चैप्टर के अंदर। राजनीतिक जागृति या प्रजामंडल वाला है, वो फिफ्थ चैप्टर है। स्वतंत्रता संग्राम वाला जो टॉपिक है, 1857 की क्रांति, फर्स्ट चैप्टर है। ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो तो भी एक बार ओवरव्यू जरूर कर लो इसका ना, क्रांति वाले। यूनिफिकेशन या इंटीग्रेशन जिसको आप बोलते हो, एकीकरण वाला जो पोर्शन है, वो सिक्स चैप्टर में। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सिक्स, तो यानी कि ये चैप्टर सारे अपने हो गए मोर और लेस। सातवां चैप्टर अपने को एक छोड़ना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं ना, जैसे बिस्सा साहब थे, या जैसे बहुत सारे लोग थे, अर्जुन लाल सेठी साहब थे, तो इन सब के बारे में डिटेल है सेकंड चैप्टर में। तो वो भी अपने को वैसे तो देख सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं उनसे भी, तो वो देखना पड़ेगा अपने को। सेकंड चैप्टर भी देख सकते हो, लेकिन ये मोर और लेस डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो ये अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। अब अपने चलते हैं टॉपिक वाइज, और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, जितने भी राजवंश है, वो फर्स्ट चैप्टर से अपने कवर हो जाएंगे। न्यू आरबीएससी जो अपनों ने बुक का फोटो लगा रखा वहां से। अच्छा, एक आप ओल्ड राजस्थान अध्ययन जो है अपनी, 9th वाली, उसका भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हो। उसमें भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नाम से वो चैप्टर है, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो वहां से भी कवर कर सकते हो। उसमें भी अच्छी खासी डिटेल दी हुई है, इवन उसमें सभ्यताओं की भी अच्छी खासी डिटेल दी हुई है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अगर प्राग ऐतिहासिक से लेकर 18वीं शताब्दी तक के लिए भी, ये फर्स्ट चैप्टर इसमें भी ठीक है। मध्यकालीन प्रशासन के लिए सेकंड चैप्टर, 12वीं क्लास की ओल्ड बुक का, साहित्य और बोलियों के लिए। अच्छा, इसमें देखिए एक और टॉपिक, जो चारण साहित्य वाला क्वेश्चन जो था ना, वो इस बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है ठीक ठाक तरीके से, तो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं अपने। ओल्ड राजस्थान अध्ययन का 9th चैप्टर, 12th क्लास की बुक का है ना, और न्यू वाली का भी 9th ही चैप्टर है, तो लिटरेचर और डायलेक्ट वाला पार्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएगा अच्छे से। ये सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड राजस्थान अध्ययन, उसकी एक मर्ज पीडीएफ, एक कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल गई होगी, जो भी कोर्स में इनरोल हो चुके हैं उनको, ठीक है। फोकडाइटीज वाला टॉपिक जो है, या ये संत लोक देवियां वाला जो टॉपिक है, वो मैंने बता दिया सेकंड चैप्टर में, तो लोक देवता वाले हैं, और महान विभूतियां या जिनको आप प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज बोलते हो, वो 11th चैप्टर है, वो 10th वाली बुक के अंदर इसका कवर हो जाएगा, ठीक। धरोहर वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर जितनी भी कलाएं हैं, अच्छा, पर्यटन कलाएं सारी अपनों ने देख लिया है। पर्यटन का एक टॉपिक जो है, वो इसी बुक का 10वां चैप्टर है, 10वीं क्लास की 10वां चैप्टर है। उसमें पर्यटन के लिए अच्छी खासी जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है। इवन ये चीज तो आपके इंटरव्यू में भी इतनी हेल्प करेगी ना, कि आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई 4-5 जगह अपने को पता होनी चाहिए, तो वो आप इस बुक से भी कवर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजें दी हुई है, तो आप वहां से कवर करेंगे। पर्यटन का जो टॉपिक है वो 10वां चैप्टर 10वीं की किताब का, और विश्व विरासत स्थल वाला जो पोर्शन है, वो अपना करंट अफेयर से हो जाएगा, हमारी करंट अफेयर की मैगजीन से हो जाएगा, अदरवाइज आपने करंट में पढ़ा भी, ठीक है। अब इसके भी पीवाई क्यों देख लेते हैं जल्दी से, सेशन को ज्यादा खींचते ना हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार के जो क्वेश्चन थे, वो थोड़े से ये समझ लीजिए कि अपने को अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी उसमें। जैसे सन टेम्पल्स पूछ लिया है ना, सूर्य मंदिर। अब क्वेश्चन हमने भी इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था, बट हमने कैसे पूछा कि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आरपीएससी ने क्या पूछ लिया, प्रमुख सन टेम्पल, प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स है ना, उनका ब्रीफ कीजिए। तो सन टेम्पल्स अब आपको पता होने चाहिए। हमने जब सारे टेम्पल बताए थे, तो हम उसमें उसमें 2-3 सन टेम्पल बताए थे, कि ओसिया वाला या गलता जी वाला, इस तरीके के एक दो नाम हमने और मेंशन किए थे, बट अपने को इसने पूरा 10 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा है, तो अपने को डिटेल में बताना पड़ेगा अच्छे से। वो कम से कम 7-8 नाम अपने को मेंशन करने पड़ेंगे इसमें ना, कम से कम। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। सिमिलरली एक क्वेश्चन इसने पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जयपुर प्रजामंडल का क्या दृष्टिकोण। अब देखिए क्या होता है ना, कि आप जब किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो, पुराने क्वेश्चन को, तो हमेशा एक अप्रोच जो मैंने प्री के क्वेश्चन में बताई, वो अपने को साथ में लेके चलनी होती है। जैसे इस बार इसने सन टेम्पल पूछ लिया, तो क्या आगे कभी इसकी मर्जी आएगी तो जैन टेम्पल नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है ना। सिमिलरली ऐसे कोई भी, जैसे जो आपकी शैलियां होती है, पंचायतन शैली है, या इस तरीके की शैलियों वाले टेम्पल है, कि पंचायतन शैली वाले सारे बता दो राजस्थान के, पूछ सकता है ना। तो अपने को अपने ब्रेन को ओपन रखना है इस चीज के लिए ना, कि यार ये इस तरीके से चीजें पूछ रहा है, तो क्या अदर पर्सपेक्टिव भी बन रहे हैं इस टॉपिक में, ऐसे उनको भी साथ लेके भी चलना है। जैसे ये भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल का जो दृष्टिकोण था, आप सबको पता है कि एक समझौता होता है, फिर एक और पर्सपेक्टिव निकल के आता है, वो अपना अलग से पार्टी बनाते हैं, तो वो सब उसका क्रिटिकली एनालिसिस करना है। अच्छा, आरपीएससी क्या कर रही है, ये जो मॉडर्न वाला पोर्शन है, यहाँ से क्रिटिकली एनालिसिस कराने पे मजबूर कर रही है एक एक टॉपिक किसी में। जैसे इस बार प्रजामंडल से क्रिटिकल एनालिसिस कराया, पिछली बार इन्होंने पीजेंट मूवमेंट से क्रिटिकल एनालिसिस कराया, ये देख लीजिए, बेंगू किसान आंदोलन वाला था,
उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था और इधर प्रजामंडल को क्रिटिकली एनालिसिस करना है, तो करवा रहा है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपने को रखनी है कि यार नेक्स्ट किसी ट्राइबल मूवमेंट का एनालिसिस करवा सकता है क्या क्रिटिकली, है ना? क्योंकि जहां भी हिंसा हो रही है, जहां भी दो पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, वहां पे क्रिटिसिज्म बनता ही बनता है और वो बुक के अंदर ही भी दिया होता है। ये नहीं है कि मतलब अपने को खुद की तरफ से बनाने की जरूरत पड़ती है। जहां भी दो पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं वहां पे क्रिटिकली एनालिसिस किया जा सकता है इजीली। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब एक ड्योढ़ीदार पूछ लिया इसने ना, तो क्या इससे सिमिलर कोई और वर्ड भी पूछ सकता है? सिकदार एक वर्ड होता है, वो पूछ सकता है, सरदार पूछ सकता है, तो इस तरीके के जो नाम है प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर वो पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए, आप जब आरबीएससी की ये जो किताब मैंने आपको बताई प्रशासनिक व्यवस्था वाली जो टॉपिक है, जब आप वो पढ़ोगे तो आपको इसमें 5-7-10 नाम तो सीधे ही मिलेंगे और बहुत सारे नाम है जिनका डिटेल्ड में आपको चीजें मिलेगी कि यार ये क्या काम करते थे, इसलिए इनका नाम ये था, ये क्या काम करते थे, इनका नाम क्या था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी के अंतर्गत ये दो बोलियों के नाम पूछे। तो हमने भी ये क्वेश्चन एज इट इज ही पूछा था, हमने सिर्फ इन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी में पूछा है, हमने सीधा पूर्वी राजस्थानी का पूछा था, तो एज इट इज ही हो गया लगभग। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ढूंढाड़ी का पूछ लिया तो क्या किसी और बोली का भी नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है ना, मालवी का पूछ सकता है या किसी का भी, और जितनी भी राजस्थान के पार्ट के अंदर मेंशन है उन सब में से किसी ना किसी का तो पूछ ही सकता है। तो अपने को पता होनी चाहिए उप बोलियां या सब डायलेक्ट जिसको आप बोलते हो। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि बेंगू किसान आंदोलन वाला है वो क्रिटिकल एनालिसिस कराया। अच्छा, लास्ट टाइम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था 2021 में, वो था चारण लिटरेचर से रिलेटेड और सिग्निफिकेंस पूछा था उनका। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इनको डील करना भी आना चाहिए। बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपकी, यार ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, एग्जाम्पल्स क्या देने होते हैं, उनके क्या थॉट प्रोसेस थी वो लिटरेचर लिख रहे थे तब, उसमें किस प्रकार के रसों का प्रयोग है, उनकी लैंग्वेज किस तरीके की है, कौन कौन विद्वान हुए हैं उनमें, है ना? तो उनकी सिग्निफिकेंस आप तब बता पाओगे जब आप ये सब चीजें पढ़ के आओगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफिकेशन के अंदर पूछा गया, इंटीग्रेशन के अंदर सिरोही का जो यूनाइटेड राजस्थान के अंदर मर्जर होता है उसके अंदर एक इशू आया था उस टाइम, और उस इशू को अपने को एड्रेस करना था। तो ऐसे एक इशू तो इन्होंने पूछ लिया, क्या कोई और इशू भी आया था मर्जर के टाइम? तो अजमेर वाले जो मर्जर था उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इशू आया था, क्योंकि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी अजमेर के अंदर वो डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, तो वहां पे भी इशू आया था। तो क्या वो भी पूछा जा सकता है? क्यों नहीं पूछा जा सकता, या कुछ और भी पूछा जा सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि PYQ देख के अपने को अंडरस्टैंडिंग बनती है कि यार क्या चीज पूछी जा सकती है। जैसे रामनत्ता पूछ लिया, तो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है, और किसी भी लोक देवता से रिलेटेड कुछ और पूछी जा सकती है ना इंस्ट्रूमेंट। तो ये है अपना मेंस का पर्सपेक्टिव। मेंस के अंदर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो प्री के अंदर पढ़ा है वही टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, वही टॉपिक दोबारा पढ़ने हैं, और प्रैक्टिस के लिए आपको मिनी टेस्ट मिलेगा, तो उसमें अच्छे से अपने को परफॉर्म करके बताना है कि यार ये क्वेश्चन हम ऐसे डील कर रहे हैं, है ना? लाइब्रेरी वाले या जो भी जिन्होंने भी मिनी टेस्ट सीरीज में इनरोल किया हुआ है तो उनको पता चल जाएगा ये। और सिलेबस ये है, सोर्सेज ये रहेंगे, बुक अपने उन्हें बता दी है कि इस बुक को कवर कर लेना है, साथ में जहां जहां इनकी जरूरत पड़ती है। और देखिए PYQ अपने ने देख लिए हैं। अब जैसे ना मतलब कई बार जब इस बार हमने चर्चा की इस पे, तो सन टेंपल से रिलेटेड अब कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किसी मैगजीन के अंदर सन टेंपल का बहुत अच्छा कोई आर्टिकल निकला था, तो इसलिए भी पूछा जा सकता है। या फिर एक मैं आपको और बता देता हूँ, कोटा के अंदर एक सन टेम्पल है, मैं अभी नाम उनका उस टेम्पल का भूल रहा हूँ, वो टेम्पल धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए रेकमेंड किया गया था जनवरी के अंदर, जनवरी या फरवरी मंथ के अंदर, मैं उस टेम्पल का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोटा के अंदर वो टेम्पल था, उस टेम्पल को धार्मिक स्थल बनाने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा रेकमेंड किया गया था, तो इस वजह से वो चर्चा के अंदर रह गया रहा था उस टाइम, तो इसलिए हो सकता है कि सन टेम्पल पूछा होगा। नहीं, बाड़ोली का शिव मंदिर नहीं था, और मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको जैसे होगा, बट मोर ऑर लेस पॉइंट ये है कि सन टेम्पल न्यूज में था ना, कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने उसको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए, तो वो पूछ लिया अभी इन्होंने, सन टेम्पल बता दो सारे के सारे। तो इस तरीके से चीजें होने लग गई है अब मेंस के अंदर ना, तो हम थोड़ा सा अवेयरनेस का गेम इसको मान के चलेंगे अब, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी टॉपिक के प्रति, और न्यूज़पेपर का रोल है वो काफी अच्छा है, उसको पढ़ना पड़ेगा, तो अपने को चीजें पता है। ठीक है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव के अंदर ये चीजें हैं जो इन डिटेल बात की जा सकती थी। जैसे जैसे आगे सेशन होंगे और सब्जेक्ट्स के, तो अपने साथ साथ वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, 2 साल की PYQ मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पे, और PYQ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम वो क्वेश्चन क्यों आया।
ठीक है। और तो मेंस का ये हो गया, इसके बाद में अच्छा एक टेस्ट सीरीज जो मेंस की चल रही है अपने, उसके अंदर एक सब्जेक्ट, मिनी सब्जेक्ट जो कवर कर रहे हैं वो सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए वैसे तो अगर इन डिटेल अगर बताना हो तो राकेश सर आपको और डिटेल में बता सकते हैं। सोशियोलॉजी के अंदर 11th और 12th की जो RBSC है उनके कुछ एक चैप्टर हैं जो अपने को पढ़ने हैं। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे रेकमेंड कर देता हूँ कि यार जो अपनों ने सोशियोलॉजी के नोट्स बनाए थे है ना RBSC और NCERT से, इनको यार आप एक बार जरूर देख लेना है ना। आप RBSC की किताबें पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे जो नोट्स बनाए हुए हैं, मैं ये इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमारे बनाए हुए हैं या हम तेज टीम ने बना दिए तो कोई दी बेस्ट है, नहीं भाई कोई दी बेस्ट वाला मामला नहीं है। और हम कोई चिल्ला चिल्ला के इसका वो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, आज सेशन था तो बोल दिया वरना हमने किसी को नहीं बोला किया सोशल। हाँ बात क्या है इसमें, इसमें बात सिर्फ इतनी की यार हमने इसको RBSC NCERT से कवर किया है ना। आप थपेड़े खाओगे RBSC NCERT के अंदर जा जाके कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है वो करोगे। हाँ तो उससे बेटर है कि हमने आपको एक जगह कंसाइज करके दे दिया है। लेकिन फिर भी पढ़ना RBSC और NCERT को इसलिए जरूरी हो जाता है कि बुक की जो लैंग्वेज होती है ना, जो लिखने वाला पेपर होता है उसके अंदर बहुत सहायक होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। बट मोर और लेस फैक्ट याद करने के लिए शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इनको एक बार जरूर देख लेना मेरे रिकमेंडेशन पे। और बाकी इन डिटेल अगर आपको कौन सा टॉपिक के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो आई थिंक राकेश सर आपको इन डिटेल पूरा बता देंगे। तो ये था सेशन मेरी तरफ से, आप लोगों ने सुना, इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया तेज टीम को, तो बहुत अच्छा लगा सुन के और देख के आप लोगों को इतने मतलब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा एट लास्ट आपको सिलेबस पढ़िए, PYQ देखिए और किताबें पढ़िए, किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये मान लीजिए कि ये तेज की टैगलाइन हो गई है आज से कि किताबें पढ़नी ही पड़ेगी आपको है ना। तो हम बार बार आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर किताबें पढ़िए किताबें पढ़िए। तो ठीक है ये था सेशन मेरी तरफ से, और बाकी मैं राकेश सर को हैंड ओवर करता हूँ। हेलो एवरीवन। तो लोकेश तने आई थिंक सारी चीजें, वो बोलते हैं ना कि धागे खोसे ना, है ना, सब बता दिया है कि राजस्थान हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स हैं, PYQ में क्या ट्रेंड रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं, थैंक्स टू लोकेश सर। रही बात सोशोलॉजी की, तो सोशोलॉजी का सेशन हम लोग अलग से रखेंगे, है ना, आज वाले में काफी टाइम हो गया है। और दूसरी चीज, जो कल लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आएंगे या फिर जो मेंस की टेस्ट सीरीज और मेंस की वेट में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ ये सेशन अलग से रखा जाएगा। जो लोग अभी नए जुड़े हैं उन लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोग किस तरीके से हर, ये सेशंस ऐसे ही रेगुलर सेशंस होंगे, हर सब्जेक्ट से पहले, मतलब जो भी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हमारा कोई भी सब्जेक्ट 14 डेज के लिए है ना, 14 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो उससे पहले ऐसे ही सेशंस होंगे पूरा डिटेल में कि कौन कौन से सोर्सेज हमको पढ़ने हैं, PYQ में क्या ट्रेंड रहा है, आगे किस तरीके से क्वेश्चंस को इवोल्व करना है। ये बेस पे हम लोग जो प्रीलिम्स के जो डेली टेस्ट अब आज से जो स्टार्ट हुए हैं, आज भी पहला टेस्ट था, डे वन था, कल एक्चुअली कल भी ये सेशन हुआ था बट मोस्टली स्टूडेंट्स उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा कि उन्हें इसको ओपन रखा जाए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी सेशंस होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी PYQ डिस्कस किए जाएंगे, और लाइब्रेरी में तो रेगुलर ये एक्टिविटी होगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी भी, जैसे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लोगे सर आप बता देना कि स्क्रीन दिख रही है नहीं है, लोगे सर विजिबल स्क्रीन दिख विजिबल रही है ना, हाँ जी सर विजिबल। तो आप लोग कैसे हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ये हमारी वेबसाइट है tejsivilsedtech, आप जाके सर्च करोगे तो ये, हम इसका लिंक भी अपने मेन चैनल पे शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर चाहे आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडिविजुअल भी कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो, चॉइस इज ऑल योर्स। और मतलब जो आज एक मैसेज भी हम लोगों ने डाला था कि जो लोग अभी ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों के लिए एक शेड्यूल बन जाए प्रॉपर, है ना, तो मतलब ये कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो तो आई थिंक उसमें प्रॉपर एक शेड्यूल है, प्रॉपर पैटर्न में चीजें हो रही हैं, चॉइस आपकी है। आपको जहां लगता हो कि आपको डेली प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी है तो क्यूबिट है उसके लिए, आपको लगता हो कि मेंस के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, हाँ ये क्यूबिट वाले में मैं पहले बता दूं, इस मेंस के क्यूबिट में कॉपियां चेक नहीं होंगी, मेंस की टेस्ट सीरीज में होंगी, जो हमारी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है या फिर
जो मंथन प्रोग्राम है उसमें तो सारी चीजें होनी है, पूरी प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, मेंस के टेस्ट सीरीज, डेली प्रिलिम्स के टेस्ट भी होने हैं, या फिर हम बोले तो मिनी टेस्ट भी होंगे, और लास्ट के 2 महीने में मेंस के आंसर राइटिंग भी। तो वो लाइब्रेरी में तो सब कुछ चीजें है ना, वो कंप्लीट पैकेज है। तो किसी को भी कोई डाउट आता है इस चीज से रिलेटेड तो वो ऑफिस विजिट कर सकता है, कॉल कर सकता है, आपको चीजें क्लियर होगी होंगी, तेज की क्वालिटी आप जान रहे होंगे, है ना। और हम लोग बिल्कुल ये बात नहीं कहते हैं कि हम लोग बेस्ट हैं, बट हाँ ये है कि हम लोग हमारी गलतियों से सीख रहे हैं, आप लोग सजेशंस देते हो उनसे सीख रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं ना। तो ये था आज का सेशन, है ना। बाकी कोई भी डाउट आता है या कुछ भी आप लोगों को लगता है, कुछ भी हम लोगों से को सजेस्ट करना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। हाँ एक चीज और, जो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, वैसे तो अभी ऑल्टरनेट डे पे आएगा, कल भी करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, बट दोज हु वॉन्ट टू टेक दोज क्लासेस की आप ऑफलाइन आके बैठना चाहते हो, तो हमारे जो टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं वो संडे को पेपर देने आते हैं, 10 से 1 पेपर देते हैं, तो 1 बजे अपन क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास रखेंगे वीकली वाली। तो इट्स फ्री फॉर ऑल, आप लोग कोई भी आके उस क्लास में बैठ सकते हो, चाहे वो लाइब्रेरी में है चाहे वो नहीं है। 1 बजे वो क्लास स्टार्ट होगी संडे को, पूरे वीक का करंट अफेयर्स अपन डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग पूरा। आप जो हम लोगों ने कल एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो आप देख सकते हो जाके। तो ये हमारी तरफ से था, एंड आई थिंक अब काफी टाइम हो गया है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट आता है तो आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके।